नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से दोबारा आई बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीवा में SDM के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा गया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ज्ञापन देते हुए चुनाव में बीजेपी को हराने वाले भीतरघातों पर कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले जयचंदों पर कड़ी कार्रवाई हो, प्रदेश का विकास तेज गति से हो, इसके लिए धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। निवेदन है आज जोड़ के कि मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बने, बस हमें और कुछ नहीं कहना, हमें सिर्फ ये चाहिए खटीमा का विकास, हमारे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। हमारे जो भीतर घातियों के लिए हम ये कहेंगे, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने मेन कार्यकर्ता हैं, उनकी वजह से हमारे धामी जी आ रहे हैं। पीठ में चूड़ा घोंपा है। हाँ बोलो, मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बनेंगे, बनने चाहिए। थोड़े कम शब्दों में यही बोलना चाहती हूँ कि आज हम लोग जी ये इतने सारे कम वोट मिले हैं हमें, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मेरी सारी पूरी मातृशक्ति शुद्ध है, लेकिन थोड़ा हर्ष भी है कि मेरे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें इतने बहुमत से हम लोग जीते हैं, इसकी हमें खुशी भी है। लेकिन हम मोदी जी से हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारे पुष्कर धामी जी को आप दोबारा से लाइए ताकि विकास हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। धन्यवाद। तो चमोली के औली में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। इन दिनों पर्यटक औली में बर्फ का दीदार कर रहे हैं। औली में अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है जिसका पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। स्कीइंग का भी पर्यटक आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की तरफ से COVID-19 नियमों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर्यटक रोपवे और अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं जिससे स्थानीय निवासियों के चेहरे खिले हुए हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जिसमें जसपुर मार्ग पर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक बाइक से जसपुर किसी काम से आया था। जब युवक अपने घर वापस जा रहा था कि तभी नादेही जसपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस घायलों को अस्पताल भेज दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तीन लड़के मोटरसाइकिल में कल शाम को लगभग 7:30 बजे जसपुर से ये हसनपुर की ओर जा रहे थे और नादेही जो राकेश की मिल है उसके पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी या स्लिप किया या किसी को बचाने के चक्कर में हुआ, फिर वो जो गाड़ी को गिरी और दो उसमें घायल हो गए और एक ही एड्रेस को देखा गया तो आप पंचायतों में भर दिया है और बॉडी को काशीपुर भेज दिया। अल्मोड़ा में रंग चढ़ने के बाद होली की धूम मची हुई है। अल्मोड़ा में महिला कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित होली महोत्सव में कुमाऊं भर से आए महिला होलिहारों ने अपने परंपरागत परिधान और होली गायन के साथ नृत्य कर शहर में जुलूस निकालकर होली की फिजा बिखेर दी। अल्मोड़ा खड़ी और बैठकी होली का मंचन किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा में होली का रंग होली से पहले ही चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, रानीखेत, भवाली, दनिया आदि की टीमों से प्रतिभाग करेंगे। कृतिक जुलूस भी निकाला जाएगा और ये भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को मंच देते हुए हमको 25 वर्ष हो गए हैं। वैसे तो हमारी संस्था इस कार्यक्रम को करते हुए 32 साल हो गए, लेकिन जब हमने महिलाओं में उनकी प्रतिभा को देखा तो हमें लगा कि उनमें इतनी प्रतिभा है तो उन्हें एक मंच प्रदान करना चाहिए। तो उसके लिए हमने 1997 से इनको मंच देना शुरू किया था। इस मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने वर्षों से हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कभी इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। हेमकुंड साहिब के पैदल यात्रा मार्ग के निरीक्षण को गई गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की टीम एक बार फिर घांगरिया तक निरीक्षण कर लौट आई। घांगरिया से हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग पर अभी भी ग्लेशियर मौजूद है जिसके चलते टीम एक बार फिर लौट आई है। मैनेजमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी नरेंद्रजीत सिंह बिंद्र ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से यात्रा तैयारियों
शुरू करने और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने टीम को भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में भी यहां घांघरिया के शुरू से ही 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गदरपुर पुलिस थाना परिसर में एसएसपी उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर थाना परिसर में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने कहा कि एसओजी को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओजी गदरपुर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी और उसमें छापा मारा। मौके से 10 बने हुए अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने के उपकरणों को भी बरामद किया है। इस दौरान एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। एक विशेष अभियान के तहत हम लोग ऐसे स्थलों के खिलाफ लगातार पहले भी काम करते रहे हैं। एसओजी के पास सूचना आई थी कल रात में कि स्कैनिया चौकी क्षेत्र में आर्यनगर एरिया पड़ता है, वहां पर जो रामपुर के साथ जंगल लगते हैं, वहां पर अवैध असले की फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना पे तमाम कई और जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन के लिए टीमें हैं उनको साथ इकट्ठा करते हुए और थाना गदरपुर की पुलिस टीम को भी साथ लेते हुए इनके द्वारा एक बड़ी टीम का गठन किया गया और रात्रि में जो है उस क्षेत्र में जाके रेड की गई। इसमें 3 लोग जो है वहाँ पे मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम मेहर सिंह, दर्शन सिंह और मेहर सिंह का बेटा महेंद्र सिंह, ये लोग गिरफ्तार हुए और इनके पास से जो है 10 तमंचे जो बने हुए बेचने की हालत में हैं और तमाम और तमंचे बनाने का सामान, इक्विपमेंट, ड्रिल मशीन और तमाम इस तरीके के जो वहाँ पे फिक्स्चर होते हैं वो वहाँ से बरामद किए गए। उधम सिंह नगर ज़िले में लगातार अवैध हथियारों की बिक्री हो रही थी। इस पर डीआईजी महोदय द्वारा और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी टीम को निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध असलाहों का कारोबार कर रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई करें। इस पर हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। हमें ये पता लगा कि कोई दर्शन सिंह नाम का पुराना यहाँ का गैंगस्टर है जो अवैध असलाहों का निर्माण कर रहा अपनी टीम के साथ। इसी क्रम में कल हमने आर्यनगर के पास में जंगल में छापामारी की रात में। उसमें हमारी एसओजी टीम, एडीटीएफ टीम और गौवंशी टीम थी और स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की, तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 बने हुए तमंचे, उसके अलावा 5 बारबोर की नालें और 12 बोर के बट और बहुत सारा जिसमें 5 शिकंजे हैं। देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्र और छात्राओं को बेहतर शिक्षा और बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए मंगलौर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। मंगलौर में आयोजित सेमिनार में देहरादून से पहुंचे डॉक्टर माथुर ने बताया कि मेडिकल लाइन में ज़्यादातर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में भारी फीस के डर के कारण और प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा नहीं ले पाते और शिक्षा भी बीच में रोक देते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य रुक जाता है और खराब हो जाता है। कि जॉब्स वगैरह की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, और निशुल्क कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सर चला रहे हैं जहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशंस वगैरह की बच्चों को जानकारी दी गई है, क्योंकि सर ने जो कहा है कि 59.6 यहाँ का लिटरेसी रेट है एज़ कम्पेयर टू 70% जो हमारे स्टेट का है। उस पर भी अब बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि आप घरों से बाहर निकलो, ये आफ्टर 12 जो गर्ल्स अपने घर में बैठ जाते हैं कि आफ्टर 12 पढ़ाई नहीं करनी, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। इन शॉर्ट अगर कहें तो शिक्षा में सुधार कैसे हो, शिक्षा के प्रति बच्चे मोटिवेट कैसे हों और वो अपनी करियर की सही दिशा कैसे सेलेक्ट करें ताकि वो अच्छी जॉब पा सकें और देश की ग्रोथ में अपनी भागीदारी निभाएं। मंगलौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि ड्रॉपआउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चे 12वीं के बाद या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है और यहाँ पर मौके भी पूरे नहीं हैं। तो उसकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इलेक्शन और सब कुछ अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन हम जो समाज सेवा के लिए मैदान में आए हैं तो इसी समाज सेवा को करते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना, और जब तक हम रहेंगे तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. Vedanta, एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई कि वीकेंड के मौके पर पर्यटन और शहर में जाम में फंसने को मजबूर हो गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे गंगा में एडवेंचर का लुत्फ उठाने वाले पर्यटक राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश होते हुए मुनि की रेती पहुंच रहे हैं। हजारों पर्यटक ऋषिकेश पहुंचे तो शहर में जाम की स्थिति बन गई। श्यामपुर से लेकर तपोवन तक वाहन जाम के बीच रेंग रेंग कर चलने को मजबूर होते हुए दिखाई दिया। ऐसे में शहर के उन बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जो दुपहिया वाहन से बाजार में काम के लिए पहुँचे थे। ट्रैफिक जाम तो बहुत खतरनाक जाम है। देखिए हमेशा जाम लगा ही रहता है। कहां से आ रहे हैं आप? हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो यहां ऋषिकेश में कितना लंबा जाम है? ऋषिकेश में बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, दिक्कतें का सामना पड़ कर रहा है। कितनी दूर होगा वो? 1 किलोमीटर। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ही। तो परेशानी कितनी होगी? टेल ताल का नुकसान बहुत ही हो रहा है। कोलघाटी तक कहाँ तक लग रहा है? कोलघाटी से लेकर इधर चंद्रा पुल तक। कितना टाइम लग गया वहाँ से आने में? 10 मिनट लग गए। और वैसे नॉर्मल कितना लगता है? 2-3 मिनट। अच्छा, कितनी परेशानी की दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, तो जगह जगह ट्रैफिक की वजह से ऐसी ही है भाई? अच्छा, तो ये रोज रहता है या वीकेंड? ये हमेशा ऐसे ही है, संडे इतवार शनिवार तो रहता रहता है। रहता रहता है। तो पर्यटकों का आगमन लग रहा है? हाँ, ज़्यादा है। तो आप कहाँ तक जाएंगे? मैं रामझूले तक। तो वहाँ पे भी ऐसी स्थिति? ऐसी ही है, पूरा जाम ही जाम है। ये लगा हुआ है आपका तिरवनी घाट से थोड़ा इधर।
ये देहरादून रोड से। कितनी देर लगी वहाँ से आने में? सर कम से कम 15-20 मिनट। और नॉर्मल कितना लगता है? नॉर्मल तो बिल्कुल भी खाली रहता है, इतवार की वजह जब मार्केट में इतना जाम है तो क्या करोगे। आपसे त्योहार का प्रतीक होली का त्योहार करीब आ गया है। शहर में जगह जगह गुलाल अबीर और पिचकारी की दुकानें सजने लगी हैं, लेकिन ऋषिकेश के बाजार में होली के त्योहार के बावजूद ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। कोरोना काल के 2 साल बीतने के बाद भी इस साल होली के पर्व पर कोरोना का साया नहीं पड़ा है, इसलिए उम्मीद थी कि होली का त्यौहार बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी, मगर बाजार में तेजी नहीं आने की वजह से व्यापारियों के चेहरे खिलने की जगह मायूसी से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अबीर, गुलाल और पिचकारियों के साथ साथ कई आकर्षित करने वाले आइटम भी बाजार में मौजूद हैं। नैनीताल में श्रीराम सेवक सभा की तरफ से आयोजित 26वें फागोत्सव के तहत चीर बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राम सेवक सभा परिसर में आकर्षक रंगोली सजाई गई। इस मौके पर आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने विधिवत मंत्रोच्चारण कर चीर बंधन की शुरुआत की। इस अवसर पर श्रीराम सेवक सभा के अध्यक्ष और महासचिव ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के लक्कड़ घाट के पास ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया चढ़ने से 4 मासूम की मौत हो गई। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ की जा रही है। जैसे वो ट्रैक्टर आ रहा था ना, ट्रैक्टर वाले तो आगे निकल, लेकिन वो एकदम ट्रॉली के नीचे आ गई, ट्रॉली लगी और नीचे गिरी, ऊपर से टायर फिर गया उसके, यही के यहीं से। मतलब ये कोई जानबूझ के, जानबूझ के तो हुई नहीं बेचारे, पर हादसा है ये, पर ये किसी की भी साथ, उनकी साथ कल को हमारे भी बच्चे एकदम आते हैं। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग बजून के पास एक वाहन देर रात खाई में गिर गया, जिसके चलते वाहन चालक घायल हो गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला और इलाज के लिए राजकीय बीडी पांडे अस्पताल भेज दिया है। श्रीनगर अलकनंदा नदी में बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की शक्ति रव नहर से शव मिलने से सनसनी फैल गई। परियोजना में कार्यरत कर्मियों ने पुलिस को नहर में शव मिलने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने शव को निकाला। कीर्तिनगर कोतवाल चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त के लिए सभी जिले के पुलिस थानों में फोटो भेज दी गई है। 75 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तेज भाव से एक हिरण बह गया था, जो कि बहते हुए भागीरथी नदी के बीच में फंस गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हिरण और उसका सफल रेस्क्यू किया और उसे सकुशल जंगल में छोड़ दिया है। रुड़की में पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रदीप बत्रा की तरफ से सीट छोड़ने वाले बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पुष्कर सिंह धामी को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अगर वो रुड़की सीट खाली होने पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 10,000 से अधिक मतों से पराजित करेंगे। सचिन गुप्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनाव लड़ेंगे। अभी अभी जो है यहाँ के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ और पुष्कर सिंह धामी जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के थे उन्हें इलेक्शन लड़ाने के लिए हुए हैं। हमारे ही द्वारा कांग्रेस के जो भुवन कबाड़ी हैं उन्होंने 6,000 ऊपर से वोटों से उन्हें हराया है और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उनके खिलाफ इलेक्शन मैं लड़ूंगा रुड़की से और आप मानकर चलें कि यहाँ से 10,000 वोटों से कम वो हार कर जाएंगे। पार्टी जो इसे भी मौका देगी उसे हम यहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे और हम एक बार और फिर मंत्री को यहां से कम 10,000 वोटों से हराकर भेजेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।